निट लकार जिसको क्या बोलते हैं भविष्य काल क्या बोलते हैं भविष्य काल क्या बोलते हैं भविष्य काल भविष्य का समय भविष्य का समय भविष्य का समय क्या होता है वैसा समय आने वाला हो जो आने वाला हो जो चल रहा है उसको क्या बोलते हैं वर्तमान फिर से एक बार वर्तमान फिर से एक बार वर्तमान बीत गया उसको भूत जो आने वाला है भविष्य तो भविष्य काल का मतलब होता है वैसा समय जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है वैसा समय जो चल रहा है वर्तमान काल वैसा समय जो आने वाला है वह भविष्य काल और वैसा समय जो बीत चुका है वह भूत काल तब ना कहते हैं कि फलावा मर गया है भूत बन गया है मतलब किस काल में चला गया भूत काल में किस काल में भूत काल में इसलिए उसको नाम देते हैं क्या भूत काल। हम लोग बताए थे कि लकार जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो लकार जो है एक समय है काल है हिंदी में उसको क्या बोलते हैं काल इंग्लिश में क्या बोलते हैं टेंस और संस्कृत में क्या बोलते हैं लकार। तो हिंदी में समय तीन प्रकार का होता है वर्तमान समय भविष्य समय और भूत समय। इंग्लिश में भी तीन प्रकार होता है पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस फ्यूचर टेंस लेकिन संस्कृत में 10 प्रकार का समय होता है लेकिन मुख्यतः हम लोग कितना प्रकार पढ़ते हैं 5 प्रकार। एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग कितना प्रकार पढ़ेंगे 5। चूंकि 14 फरवरी के आसपास में मैट्रिक का एग्जाम चालू होने वाला है कितना फरवरी 14 फरवरी। अब हम बात करते हैं क्या भविष्य का वैसा समय वैसा समय जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है वैसा टाइम वैसा समय जो आने वाला है जो आने वाला है जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है वैसे समय को क्या बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलते हैं भविष्य काल। जैसे वह पटना जाएगा तो वह पटना जाएगा ये हमको पता नहीं है हो सकता है वह पटना जाए भी या नहीं जाए। राम कल आएगा राम कल आएगा हमको पता ही नहीं है कि राम कल आएगा या नहीं आएगा लेकिन हमने क्या किया एक अनुमान लगाया ऐसा समय जिसमें हम अनुमानित करते हैं वो वैसे समय को हम क्या बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलते हैं भविष्य काल मतलब ऐसा समय जिसके बारे में हमको जानकारी कंठांश नहीं है। भूतकाल क्या होता है जो हमारे साथ बीत चुका है और जो हमारे साथ चल रहा है उसको बोलते हैं वर्तमान काल और जो आने वाला है उसको हम बोलते हैं क्या उसको हम क्या बोलते हैं भविष्य काल। वर्तमान काल पहचानने के लिए हम एक तरीका बताए थे क्या बताए थे जिस शब्द के अंत में ता है ती है ती हूँ तो हम पहचान लिए थे कि यह समय क्या है वर्तमान काल। लेकिन भविष्य काल के बारे में पहचानने के लिए इसका भी आसान तरीका है जिस शब्द के हिंदी वाक्य के अंत में गा है गी है गे है गा हूं लगा हूं ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे क्या भविष्य काल। जैसे राम पटना जाएगा अंत में क्या लगा गा अंत में क्या लगा यानी कौन काल है भविष्य काल। सीता कल आएगी क्या लगा गी क्या लगा गी यानी सीता कल आएगी कि नहीं आएगी हमको पता नहीं है। तो ऐसे वाक्य को हम क्या बोलेंगे भविष्य काल। ऐसे वाक्य को क्या बोलेंगे भविष्य काल। आप लिखिए लट लकार लट लकार के बारे में लिखिए क्या लिखिए लिट लकार लिट लकार भविष्य काल भविष्य काल।